हेलो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आज देखेंगे ड्रग ऑफ चॉइस जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिजॉर्डर्स के लिए है ये एक्सक्लूसिवली इम्पोर्टेंट फॉर उड़ीसा सब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एम्स एस जिपमर पीजीआईएम नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए चलो दोस्तों देखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिओ के लिए कौन कौन सा ड्रग्स इंपोर्टेंट है तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जरूर आप लोग याद रखिए एंजेना इक्विडेटेक तो एंजेना पेक्ट्रिज जो एंजेना पेक्ट्रिज का इक्विडेटेक और होता है तो उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है वो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन रहता है क्या रहता है दोस्तों सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन रहता है इसको जरूर याद रखना है यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल दिया जाता है उसके बाद लॉन्ग टर्म इन ओके प्रोफिल में जो लॉन्ग टर्म जो प्रोफिल दिया जाता है वो बीटा ब्लॉकर्स रहता है ड्रग ऑफ चेस क्या रहेगा बीटा ब्लॉकर्स रहेगा इसको जरूर याद रखिए उसके बाद दोस्तों अगर आईओटी डिस्ट्रेक्शन किया जा रहा है तो उसके लिए जो ड्रग ड्रॉप चेस रहेगा वो लावे टा लोल रहेगा लाबेटा लोल उसके बाद दोस्तों आर्ट्रियल फिब्रिलेशन एंड फ्लोटर आर्ट्रियल फिब्रिलेशन एंड फ्लोटर के लिए अगर एक्यूरेटेड हुआ है तो उसमें इंट्रावेनस आइबुटी लाइड दिया जाएगा अगर रिदिम कंट्रोल में है उसका ड्रग ऑफ चॉइस एम्यू रहेगा अगर रेट कंट्रोल में है ओके रेट कंट्रोल करना है तो उसमें जो ड्रॉक ऑप्शन रहेगा वो बीटा ब्लॉकर रहेगा दोस्तों इसको जरूर आप लोग याद रखिए उसके बाद दोस्तों देखेंगे एंटी को आर्ट्रियल फेबरी ओके इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा डाबी गार्टन ओके और एफी जावेन ओके उसके बाद देखेंगे एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर फर्स्ट ड्रॉक ऑफ चॉइस क्या होगा फोरसामाइड जिसको हम लूप डायरेक्टिस भी

ये देना पड़ता है ओके ये okay, एनआरबीएस ये भी ड्रग अप चेस रहता है इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स बोलते हैं ओके okay, उसके बाद दोस्तों देखेंगे अभी हाइपरट्राइग्लिसराइडिमिया ओके हाइपर मीन एक्सेसिव ट्राइग्लिसरिड लेवल ओके okay, जो नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल से और ब्लड में ज्यादा हो गया है उसको हाइपरट्राइग्लिसराइडिमिया बोला जाता है तो उसमें क्या था ड्रॉप ऑफ सिर्फ रहे? फाइब्रेट्स रहेगा ओके फाइब्रेट्स उसके बाद काइलो माइक्रोमिन माइक्रोनेमिया सिंड्रोम काइलो माइक्रोनेमिया सिंड्रोम में ड्रॉप ऑफ चेस क्या रहेगा फाइब्रेट्स रहेगा उसके बाद दोस्तों टाइप सेकेंड हाइपर लिपो हाई लिपो ज्यादा ब्लड में अगर रहेगा ओके उसको हाइपो हाइपर बोला जाता है उसमें ड्रॉप ऑफ चेस क्या रहेगा फाइब्रेट्स

ओके एंजियोटेंसिन ओके रिसेप्टर ब्लॉकर्स एनदर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओके ये है फर्स्ट लाइन ड्रॉ उसी बाद दोस्तों देखेंगे रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन में जो दवा दिया जाता है उसको एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट बोला जाता है उसके बाद पीएसबीटी पीएसबीसी में क्या दिया जाता है इंट्रावेनस एडिनोसिन दिया जाता है इसको जरूर आप लोग याद रखिए टीएसवीटी का मतलब क्या है पारोगजिमाल सुप्रा वेंट्रिकुलर बोला जाता है जिसमें क्या होता है एबनॉर्मल हार्ट रिदिम होता है और एरिदिमिया होता है तो उसमें इंट्राभेनो आडिनोसाइन दिया जाता है उसके बाद अगर एल्डरली पेशेंट में अगर हाइपोटेंशन हुआ है तो उसमें क्या दिया जाएगा दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाएगा ओके अगर यंग पेशेंट में अगर हाइपोटेंशन हो रहा है तो उसमें भी एसी सी और एआरबीएस एआरबीएस का मतलब क्या है रिसेप्टर दिया जाएगा ओके एआरबीएस इसको जरूर याद रखिए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर उसके बाद दोस्तों देखेंगे पीएसबीटी प्रोफिलैक्सी पीएसबीटी जो पारोजी सुप्रावेंट्रिकुलर सुप्रावेंटिकुलर टाकी कार्य

अगर सेप्टिक सग है तो उसमें ड्रग ऑफ ऑफेस क्या रहेगा नॉर ओके एफी सॉग है तो ड्रग ऑफ चेस क्या होगा नॉर एफी होगा ओके एसवीटी ट्रीटमेंट एंड प्रोफिलैक्सिस एसभी ट्रीटमेंट एंड प्रोफिलैक्सिस में ड्रग ऑफ चेस क्या होगा भेरा पामिल होगा ओके क्या होगा ओके क्या होगा भेरा पामिल दिया जाएगा ओके एसपी एसभी टी का मतलब क्या है सुप्रा वेंटिकुलर टाकी कारिया जाता है ओके okay, ओके okay, इसको जरूरी यहाँ पर क्या होता है सडनली हार्ट ओके मीन सडनली हार्ट का जो बीट रहता है दोस्तों उसके बाद दोस्तों देखेंगे एस बीटी एसोसिएटेड सी एच एफ सुप्रा वेंटिकुलर ट्राकिकारिया एस बीटी का मतलब क्या है सुप्रा वेंटिकुलर एसोसिएटेड विद कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर

डब्लू पी सिंड्रोम ओके दोस्तों डब्लू पी डब्लू सिंड्रोम बोलते हैं इसको ओके okay, तो उसमें क्या दिया जाएगा इंट्राभेनोस प्रोकेनामाइड दिया जाएगा ओके डब्लू पी सिंड्रोम ओके इसको क्या वल्फ पार्किंसन वाइड बोला जाता है वल्फ ओके okay, पार्किंसन वाइड इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे ओके okay,

या नाम दिया जा रहा है थैंक यू अगर चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए हंड्रेड परसेंट गारंटी थैंक यू वेरी मच